ज्यादातर पैसेंजर प्लेन्स का कलर व्हाइट क्यों होता है और ज्यादातर मिलिट्री एयरफोर्स के प्लेन्स का कलर ग्रे क्यों होता है? आइए जानते हैं आज के कुछ प्लेन्स के क्रेजी फैक्ट्स। प्लेन के व्हाइट कलर होने का सबसे बड़ा कारण है कि इससे प्लेन के अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है। व्हाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसकी रेस को सबसे कम एब्जॉर्ब करता है। प्लेन के मोस्टली पार्ट्स प्लास्टिक, कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास के बनाए जाते हैं, जिन्हें सूरज की गर्मी से बचाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में व्हाइट कलर सबसे बेस्ट माना जाता है। प्लेन्स को पेंट करना बहुत महंगा काम माना जाता है। एक बार प्लेन को पेंट करने के लिए $50,000 से लेकर $2,00,000 तक का खर्चा आता है। व्हाइट कलर काफी समय तक चमकता रहता है क्योंकि ये जल्दी फेड नहीं होता, जिससे कि पेंट का खर्चा भी बहुत कम आता है। व्हाइट कलर देखने में ही नहीं, वेट में भी बहुत हल्का माना जाता है। इसीलिए व्हाइट पेंट करने से प्लेन का वजन ज्यादा नहीं बढ़ता और इससे फ्यूल भी कम लगता है। प्लेन के व्हाइट होने का आखिरी कारण ये है कि अगर प्लेन में कोई भी डेंट, लीकेज या डैमेज हो, वो सफेद रंग पर आसानी से दिख जाता है। अब हम जानेंगे कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट ज्यादातर ग्रे ही क्यों होते हैं। दुनिया भर में ज्यादातर मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट को ग्रे कलर के अलग अलग शेड में पेंट किया जाता है, जो कैमोफ्लाज के रूप में काम करता है। ग्रे कैमोफ्लाज वाला विमान धुंधले वातावरण में ब्लेंड या हम कह सकते हैं कि मिक्स हो जाता है, जिससे विमान को देखना लगभग ना के बराबर है। ग्रे रंग के अलग अलग शेड एयरक्राफ्ट को इनविजिबल कर देते हैं, जिन्हें जमीन पर या हवा में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थे मेरे आज के प्लेन्स के बारे में कुछ क्रेजी फैक्ट्स।